सर्जिकल स्ट्राइक किया तब तो मोदी जी का नाम है, किसी मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और जब सेना की जब शहादत हो जाती है तब सेना को बदनामी देते। शायद जनता को यह नहीं पता हो, लेकिन मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि कभी भी चाइना युद्ध नहीं कर सकता भारत के साथ, क्योंकि उसे रेजांगला का युद्ध याद है। ये हमला होना, चुनाव का बिहार का दौर है चुनाव, और बिहार रेजिमेंट का वहां होना, तो इसके अंदर राजनीतिक भू तो जरूर आती है। यहां तक कि यह सिचुएशन है कि बॉर्डर की हकीकत यह है कि अगर एक बम भी फायर करना है तो उसका आदेश बीजेपी हेडक्वार्टर से लेना पड़ता है, ये सच्चाई है। आर्मी का काम है अगर बॉर्डर पे कोई भी मोमेंट है तो उसका पीछे वो अपने हेडक्वार्टर को देता है, हेडक्वार्टर दिल्ली को देता है, क्योंकि हम सर्विस में थे हम भी यही करते, पल पल की खबरें देता है, लेकिन दिल्ली में जो निकम्मे लोग बैठे रहते हैं वो उसकी रिप्लाई नहीं देते। सेना तिरंगे के नीचे कसम खाती है और मोदी जी नागपुर के झंडे के नीचे कसम खाया, तो ये फर्क है, नागपुर के झंडे का और तिरंगे का सम्मान का बहुत ज्यादा फर्क है। ये देशद्रोही।